अधिकारी अगर जाने लग जाएगा, हमारे मंत्रालय अपने आप हमारे घर के क्यों साफ रहते हैं? रोजाना जाते रहते तो फिर घूमने भी जाओ ना मेरे भाई, एक बार जाके देखो और गंदा लगे तो बुलाओ कर्मचारी को, तो ये साफ कर मेरे भाई, एक बार को, दो बार को, तीन बार को, अरे कभी तो अक्कल आएगी उसमें भी, करके देखो ये काम है हमारे और कोई काम नहीं है। हमारे कोई जाके खेती झाड़ू लेके हमें नहीं जाना है, हमें कोई फव्वारा लेके नहीं जाना। मेरे यहाँ पर शिकायत आई की मंत्रालय साफ नहीं होते, मेरे फायर ब्रिगेड को लगा दिया। काहे के लिए फायर ब्रिगेड, खाली आप गुजारी की है क्या? गलत बात, हमें वो काम करना है जो इतिहास बना। मेरे मंत्रालय शौचालय में कभी भी चले जाओ, सभापति क्या मंत्री भी जाएगा तो कहेगा साले इसके मंत्रालय शौचालय इतने साफ क्यों है? आप देखिए बगीचों को बहुत सुंदर बनाना है हमें, हमारे बगीचे ऐसे होने चाहिए कि शहर का हर व्यक्ति हर बच्चा हमारे बगीचों में आए। मैंने बिल्कुल वेल मेंटेन, कहीं गंदगी नाम की चीज नहीं मिलेगी, बगीचे सुंदर होने चाहिए। आपका बेटा हो जाएगा, प्लीज मेरी निवेदन है आपसे, आप लोगों के लिए देखिए बगीचे हम, ये मेरा बगीचा, अभी मंत्री जी आए थे और मंजीत सिंह जी आए थे, अभी जयपुर के अंदर क्लास थी, जयपुर के अंदर एक कार्यशाला थी कि डूंगरपुर के बगीचे इंटरनेशनल लेवल पर बने हुए, मतलब विदेशी स्तर पर, हकीकत में हमने सही स्मार्ट बनाया। ये सब आवश्यक है, नगर परिषद करेगी, कौन करेगा शहर के काम? हमने ये सही स्मार्ट इसलिए बनाया कि यहाँ पर शहीदों को नमन कर सके और यहाँ पर मेरे यहाँ पर और लाइन लगी रहती है। एक आरोप प्लांट लगाया मैंने पहले सैंपल के तौर पर, तो उस पर भीड़ लगी हुई है, टंकी लेके बैठे हुए हैं। पांच का सिक्का के प्लांट मैंने लगाए और एक प्लांट मेरा चल गया, 600-700 टंकिया मैं नियमित भर रहा हूँ। अब मेरे मेरी नियत बिगड़ गई क्योंकि मेरे को 50-60 हजार रुपए महीने की कमाई हुई। वार्ड के अंदर जाकर कपड़े इकट्ठे करेगा, जूते इकट्ठे करेगा और गरीबों को जिसके लिए उपयोगी नहीं है उसको देगा, जिसके लिए अनुपयोगी है कईयों के लिए वो चीज उपयोगी है। ये जितनी भी लाइटें हैं उसका मेंटेनेंस का, शिकायत पर स्ट्रीट लाइटें होगी 24 घंटे में चालू, वरना शिकायत कर्ता को मिलेगा प्रतिदिन।